पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक होने के बाद पूरे देश में दुआओं का दौर इस समय चल रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में चिकित्सकों का पैनल उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। वहीं सीतापुर के गणमान्य नागरिक भी अटल जी के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। मालूम हो कि काफी समय से अस्पताल में भर्ती अटल जी का स्वास्थ्य गुजरे दो दिनों में बेहद नाजुक हो गया है। लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नागरिक। नहीं, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी और क्या दूसरे दल के नेता भी पूरा देश माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कामना कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य वर्तमान समय में खराब चल रहा है। हम सब लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश नहीं विदेशों के नेता हैं। उनको चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हृदय में उनके ये सबको सम्मान है। और वो एक ऐसे नेता है जो उन्होंने नींव डाल दी देश के विकास की, उसी नीति पर आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं। इसीलिए पूरा देश आज परेशान है कि जल्द जल्द माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ठीक हो। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं। ऐसा लोकप्रिय नेता हमारे देश में नहीं मिलेगा कोई। इसीलिए हम सब चाहते हैं भगवान को जल्दी स्वस्थ करें ताकि उनका मार्गदर्शन सबको प्राप्त होता है, यही कामना करते हैं। अटल जी एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनका स्वास्थ्य आजकल कोई ठीक नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे जल्दी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और उन्हें उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे।